सीन कुछ ऐसा है, मेरी नैव की ब्रीफिंग होने वाली है कल। अब कुछ भाई को नहीं पता होगी वो है क्या। नेविगेशन एक होता है कि जैसे मैप्स होते हैं, हमें दूसरे एयरपोर्ट्स पे जाना है तो हम नेविगेट करते हैं। कैसे करते हैं? मैप्स के थ्रू करते हैं। तो उसकी ब्रीफिंग है कल। तो उसके लिए क्या होता है, जो हमें स्कूल की तरफ से मैप प्रोवाइड किए गए हैं साउथ अफ्रीका के आसपास के एयरपोर्ट्स के, हमारे यहाँ के, तो वो ले जाने होते हैं हमें। तो काफ़ी रूट्स होते हैं जिन्हें जहाँ पे जाना होता है। तो इसलिए जो मैप है उसको मैं लैमिनेट करना होता है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और कल सुबह मेरी नैप की ब्रीफिंग है, मुझको लैमिनेट करना है वो। मैं तुम्हें मैप दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सॉरी भाई, मैं ऐसा लग रहा हूँ तुम्हें, कोई नहीं। देखो ये हमारा मैप है, पूरा मैप है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या है, ये अजीब सा लग रहा है, बट कल सीखेंगे मतलब कि कैसे ये नेविगेट करते हैं, फ्लाइट प्लान कैसे बढ़ते हैं। मतलब फ्लाइट प्लान भरना होता है। फ्लाइट प्लान क्या है? फ्लाइट प्लान एक चीज़ है जो तुम्हें हेल्प करेगी एक जगह से दूसरे जगह जाने के थ्रू एयर। फ्लाइट प्लान के बिना कोई फ्लाइट नहीं हो सकती अगर वो बाहर जा रही है तो। ये हमारे रिक्वायरमेंट होती है CPL के लिए और PPL के लिए। साउथ अफ्रीका में PPL है होता है, तो PPL की रिक्वायरमेंट भी है और CPL की भी रिक्वायरमेंट है। नेविगेट करना आना चाहिए पायलट्स को, तो वही है। तो अपना ये रहा चार्ट, और एक और चार्ट ऐसा ही, उसे हम लैमिनेट करते हैं। बाहर चलते क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है करने की, बाहर करेंगे लैमिनेट। चलो दिखा तुम्हें पूरा प्रोसेस। चलो भाई, तो चलो भाई हमने मैप और लैमिनेशन पेपर जो मैं लाया था ले लिया है। और मैं बताता हूँ, ये जो लैमिनेशन पेपर है जो छोटा सा दिख रहा है, ये 153 रैंड्स का है, मतलब 250 रुपये से ज़्यादा। एक छोटा सा जो इंडिया में 20-20 रुपये खरीद लेते हैं, 250-250 रुपये के मिल रहे हैं। रूट बचा रखी पर कोई नहीं, चलो बाहर चलते हैं। हमारी मदद एक बंदा है जो वीडियो में आता रहता है, वो करेगा भाई। चलो उठ जाओ प्लीज। भाई इस पे करेंगे, टेबल बड़ी है, इसे साफ कर देंगे भाई। ये करना है ना हमें, लैमिनेट करना है ना मैप, लैमिनेट करना है। क्यों करना है भाई? रिक्वायरमेंट है PPL की। होती है भाई। आप एक बात बताओ, अगर आपने अपनी प्लानिंग करी और वो फिर आपको रब करनी पड़ी, फिर तो हम लैमिनेट कर रहे हैं इसे। जस्ट गिव अ वैलिड रीजन ना। वो तो मैंने पहले ही बता दिया ऑडियंस को। आप अपने ऑडियंस का, ऑडियंस को हमने पहले बता दिया है। PPL की रिक्वायरमेंट है। हां, स्टडी फर्स्ट। हां, कोई नहीं, कोई नहीं। चलो भाई हम ये टेबल साफ करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? तो भाई जैसे मैं ये साफ कर रहा था, मेरे को एक अंडे की क्रेट दिख गई जो दुबकी पड़ी है। ये एक महीने से यहीं रखी पड़ी है और भाई साहब पूरे अंडे भरे हुए हैं, बस दो को छोड़ के। ये हमारे एक लौंडे की है, वो पता नहीं क्या चाह रहा है जिंदगी से। वो कुछ खाता वाता है नहीं, एक दो तीन चीज़ें खाता रहता बस। प्लीज मेंशन मी, दैट्स नॉट मी। हाँ भाई, हमें तो भाई नहीं है भाई, हम तो अपनी डाइट करते हैं। यहाँ पे एक और बंदा है जो है रहता हमारे साथ, वो एक ही डाइट खाता रहता है और अंडे उसमें फिलहाल है नहीं अभी। चलो देखते कहाँ बॉइल करने का टाइम नहीं है। टाइम नहीं है एक बॉइल करने का, टप जाएगी ये क्रेट, बस दो तीन जा रहे हैं बस। भाई ये देखो, वे प्रोटीन का डब्बा जिसमें हमने कोई जैक जुगाड़ लगा रखा है। अरे अगर दिखाई दे तो भाई अभी मैं बता रहा भाई, चावल भर रखे हैं हमने पूरे इंडियन। आओ आओ, फिर तो हम आपको प्रोटीन ही प्रोटीन दिखाएंगे। भाई ने स्पाइडरमैन की शर्ट पहन रखी है। ये आइसो वे है, ये एनाबॉलिक, ये NPL एनाबॉलिक वे है। ये भाई अपना हाइड्रोटेक वे है। हाइड्रोटेक ये अपना हाइड्रोटेक वे है। ये भी एक और हाइड्रोटेक वे है। ये पर ये फ्लेवर अलग अलग है, ठीक है? अभी दुकान खोलूंगा। ये भैया अपना क्लियर वे है।
ये मौत का फरमान है, जैसे तुम देख पा रहे हो मैं कह रहा हूँ ये पूरा डब्बा भरा हुआ है, कोई नहीं पी पाया, बहुत गंदा फ्लेवर है जिसका था वो वो भाग गया लेकिन दुनिया को छोड़ गया। ये कंप्लीट वे बायोजिन का भाई कितने वे ये भाई ने अभी अभी नहीं खरीदा, बहुत टेस्टी है फ्लेवर ये, अभी मैंने आज ही लिया। कौन सा? स्ट्रॉबेरी फ्रेंच वनीला, सॉरी स्ट्रॉबेरी स्मूदी है, मैंने दिलवाया था भाई को और भाई को बहुत पसंद आया। और ये आपको बता दें आईएनआर में इतना बड़ा प्रोटीन का डब्बा दिखने में लग रहा है पर इसमें वेट है 1.8 केजी। और अपना ये इसका कितना प्राइस पड़ा था भाई? ये पड़ा था अप्रोक्सीमेटली 3600 3600। बी केयरफुल ब्रो, भाई कैसे बोतलें गिर रही हैं भाई। ये एक और कंप्लीट वे, सॉरी अरे भाई दुकान लग रही है भाई, इसका थंबनेल बना देंगे। ये दूसरा हाइड्रोकॉर्वे है, ये जिसका इसका मालिक भाई मुंबई घूमने गया हुआ है, पाव भाजी का ये वाला, उसका हम टपा जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई ना कोई एक स्कूप ले लेता है थंबनेल के लिए। और भाई दुकान है यार, भाई अपना क्रिएटिन है ये, हम खाते रहते हैं भाई, इसका लम्स बन लगते हैं, देखा नहीं खाते क्या रहते, पता नहीं माय प्रोटीन क्या करता है, खोले वो पैकेट के लम्स बन जाते हैं भाई, प्रोटीन ही प्रोटीन है हर जगह, सही बता रहा हूँ ना भाई। एक सेकंड इसे नीचे कर, अरे वो क्लियर वे तो इधर रख देते, इस पे रख देते। तो भाई हमें चढ़ाना तो मैप पे कवर था और हम यहाँ पे ही सजा के फोटोग्राफी हो चल रही है इधर, और कुछ नहीं हो रहा, और रात के बच्चों की 11 सब सो गए घर में। तो भाई देख सकते हो हमारे पास कितने, हमने 6 महीने में कितने डब्बे खा लिए हैं, नहीं इसमें और इसमें तो बस जहर है भैया, छोड़ो ये प्रोटीन के दुनिया छोड़ दे। 2 hours later भाई ने याद किया अभी नहीं क्या भाई, ये बता दे पहले आज तू भाई, मैप ढूंढ रहा था ना मैं, मैप ढूंढ रहा था, ये सारे सांड तू लड़ा बनी है भाई, ये बैक ऑफ द सीन्स की क्लिप आ गई थोड़ी सी भाई, क्या ये बता दे पहले यार, ये ढेर है ना, ये हम अंदर कर देंगे मैं ये जमा के रखा था मैंने, ये यहाँ कैसे ढेर निकल गया? अरे मैं मैप ढूंढ रहा था ना, मैप अंदर था भाई, ये अलमेरा है, हाँ गुफा नहीं थी जिसमें तू ढूंढ रहा था खोद के, ये क्या खोद ही निकाल लिया तूने, चल छोड़ भाई, दिस इज हाउ अ रूम लुक्स, इसे रूम नहीं बोलते, एंड वी हैव टू नॉक नॉक प्लीज, that's a very story behind it jo mein exclusive hai bhai, bata diya to bhai allah bach jayega protein ki, aur hum is pe ye chadhayenge jaise amit bhai ne chadhaya tha, wo bhi kaise chadhate hain leke hum pehle se cutting hai iski, jis pe ye lamination ke upar lamination hai wo cutting hai, unpack karte hain isse, t-shirt pehni hai kiski hai भाई, ये हमारी है, हमारे अमित भाई की है, और कच्चा कच्चा अमित भाई का है, और आप किसके हो? हम भी अमित भाई के, देखा बस चप्पल ही आपकी है, ये ऐसा तो कुछ नहीं मंदिर से मार ली थी तो ये चढ़ाना कैसे, ये मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा ब्रो, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी ब्रो, व्हेन यू विल हेल्प यू, 11 बज गए हैं जितना लग रहा है, पकड़ इसे अबे टांग कैसे पकड़ू, साढ़े हाथ से पकड़ना, हाथ तो दोनों वो हाथ हटा ले, आप तो हो गया वहां से, हो गया भाई, तुमने क्या यूट्यूब से सीखा था ये करना, अबे पागल है क्या, तुम्हें कैसे पता मेरे बचपन में मैंने यही तो काम करे, बुक सेलर दुकान थी मेरी, सही है भाई, हमारा देख कितना आगे निकला हुआ है, क्या क्या सीख गया बचपन में, पायलट बन रहे बिल्कुल अबे ऐसा ये तो होता 1/5 हो गए, चलो सोने चले जाते हैं डर गया भाई, मेरे को लगा मेरा फोन गया, ये पहले भी टूट रखा है ये भाई, लाइट क्यों ऑन कर रखी है बताते भाई, भाई को दिखे ना मैप पे, अबे चल सारे तो भाई ये राउंड वन था, जो कितना बढ़िया लैमिनेशन हुई है इस पे यार, अरे हमारा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, कोशिश की गई थी ये सबसे ज़्यादा काम आएगा मेरे, और यही हम ख़राब कर दिए हैं, देखो
यहाँ बीच में हमारा नाइजीरिया है यार, कोई नहीं। क्या हो गया ये, क्या से क्या हो गया, देखते देखते भाई दो मैप हो गए हैं और हमारी हिम्मत टूट चुकी है अब करने की और कुछ। और और भाई 12 बजने वाले हैं। अबे ये मैप यहाँ ले आए भाई, हमारे हेयर ड्रायर ले आए हैं हथियार। फ्लैक्स करो फ्लैक्स करो। अरे भाई ये हमारे ट्राइपॉड भाई इंडिया से लाया था मैं, काम आ रही है। चलो भाई पहले इस बेचारे की कर ले 1/5 की जो हमें चाहिए मेन। पकड़ो जो याद आए ना तूने वेंचर पार्ट पार्ट में कहा था रे, ठीक लगा सही है। भाई हमारी क्लास चल रही है फ्लाइट प्लान की, ये तुम्हारा भाई है और अभी बज रहे हैं 12:30, अभी हमारा ब्रेक है थोड़ा सा। ये हमारा जो कल मैप चढ़ा रहे थे ये हमारा रूट है जो हम फॉलो करेंगे, यहाँ से लेंजेरिया से इधर, फिर ये हम जाएंगे रस्टनबर्ग एक पॉइंट है, फिर पोस्ट स्ट्रॉम, पता नहीं अलग अलग नाम है इनके, फिर यहाँ पे डायरेक्ट। ये फ्लाइट प्लान है, इसे भरने में 1 घंटा हो गया है, ये अब भरा जाके तो ये टाइम भी बता दिया हमने कौन कौन से टाइम पर करेंगे। ये और दोस्त कर रहे हैं मेरे, अभी ब्रेक था और ये हमारा सेसना की भी हो जाए, ग्राफ देख के हमें भरना पड़ता है कितना फ्यूल यूज़ हो रहा है। चलो